तो आज मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ कि अपनी वाईफाई स्पीड को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हालांकि कोई वाईफाई स्पीड ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1 MB का पैक लिया हो तो वो स्पीड आपकी जो है यहाँ पर मैं डबल करने की टिप्स आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जैसे कि आप अगर 1 MB का पैक लेते हो तो आपको वो पूरी स्पीड यहाँ पर नहीं मिल पाती, उसमें से कुछ ही स्पीड यहाँ पर मिल पाती है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ पर स्पीड आपकी डबल होने की टिप्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। मैं आपको खाली यहाँ पर कुछ टिप्स ऐसे दूंगा जिससे आपकी वाईफाई स्पीड जो है काफ़ी अच्छी हो सकती है अगर आप इन टिप्स को यहाँ पर आप फॉलो करते हो। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले हम टिप नंबर 1 की। सबसे पहले आता है प्लेसमेंट। यहाँ पर अपने वाईफाई राउटर का प्लेसमेंट आप कहाँ पर करते हो, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन ये ध्यान रखें कि अपने वाईफाई राउटर का प्लेसमेंट उस जगह पे करें जहाँ पर आपको नेटवर्क ज़्यादा मिलना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर आपको नेटवर्क जो है 100% मिल रहा है और कहीं पे आपको जो है यहाँ पर आपको 50% भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप और साथ ही आपको यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो आपका वाईफाई राउटर है वो जो है इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे जो है दूर होना चाहिए। वहीं आपको बताते हैं कि जो वाईफाई में आपको सिग्नल मिलते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में यहाँ पर आपको मिलते हैं, तो जिससे क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि ये जो ब्लॉकेज होती है उनको ये कभी पार कर देता है और कभी कभी ये पार नहीं कर पाता है। तो ऐसे में जो उसकी प्लेसमेंट है वो बिल्कुल बेस्ट यानी सेंटर में होनी चाहिए, खुले में अलग तरीके से होनी चाहिए जहाँ पर आपको हर जगह बराबर नेटवर्क यहाँ पर आपको मिल सके, क्योंकि नेटवर्क अगर बराबर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आपको स्पीड जो है कम ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं आप टिप नंबर 2 की। तो आप जो घर पर वाईफाई यूज़ करते हैं उसमें आप देखते होंगे किसी किसी वाईफाई में क्या होता है एंटीना लगा होता है, या फिर आप क्या उस एंटीना अगर आपके वाईफाई में एंटीना नहीं है तो क्या आप वाईफाई को ऐसा यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पर अलग से एक्सटर्नल एंटीना का यहाँ पर यूज़ करते हो तो ऐसे में यहाँ पर आपकी वाईफाई स्पीड जो है जो उसके सिग्नल हैं काफ़ी इंप्रूव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी भी है जो यहाँ पर उन एंटीनों को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती हैं, तो आप कहीं से भी ऑनलाइन अलग से आप उस एंटीना को वाईफाई जो एंटीना एक्सटर्नल एंटीना होता है उसको आप परचेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए अगर कोई एंटीना अगर होता है तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इसका लिंक नीचे दे दूंगा, वहां से इसको परचेस कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं टिप नंबर 3 की, वाईफाई को रिबूट करना। तो आप जैसे कि अपने स्मार्टफोन को यहाँ पर यूज़ करते हो और जब उसमें कई सारे ऐप्स जो है ज़्यादा विंडोज़ आप उसमें मल्टी विंडोज़ खोल लेते हो तो ऐसा क्या होता है कि आप फ़ोन को देखते हो हैंग होने लगता है, तो ऐसे में आप फ़ोन को अपने रिबूट करते हो और रिबूट करने के बाद में उसमें जो है कई सारे जो है एकदम पूरा फ़ोन आपका क्लीन हो जाता है, सारे एप्लीकेशन क्लोज हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको एक फ्रेश फ़ोन आपको वहाँ पर आपको देखने को मिलता है और इसीलिए आप रिबूट करते हो। तो ऐसे में जब आप वाईफाई का यूज़ कर रहे हो घर में तो काम करने से पहले आप क्या करें अपने वाईफाई को रिबूट कर दें। वहाँ पर एक राउटर होता है उसमें बटन दिया होता है रिबूट का, तो आप उस बटन को दबाकर यहाँ अपने वाईफाई को रिबूट कर, और इससे यहाँ पर होगा क्या कि आपके राउटर की जो मेमोरी है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी और साथ ही यहाँ पर इसमें जो है आपके नए अपडेट आना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं टिप नंबर 4 की, वाईफाई रिपीटर का यूज़ करना। अगर आप वाईफाई को अपने घर में यूज़ कर रहे हो तो ऐसे में यहाँ पर जो उसका नेटवर्क एरिया होता है वो ज़्यादा है वहाँ पर अगर कवर नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप वाईफाई रिपीटर का यूज़ कर सकते हो। तो वाईफाई रिपीटर से होगा कि यहाँ पर आपका जो नेटवर्क एरिया है वो जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपके मन में एक सवाल होगा कि रिपीटर आखिर वाईफाई नेटवर्क के एरिया को कैसे बढ़ाता है। तो यहाँ पर रिपीटर क्या करता है कि आपके वाईफाई राउटर से यहाँ पर सिग्नल लेकर उसके एरिया को यहाँ पर बढ़ा देता है। अब बात करते हैं टिप नंबर 5 की, तो वाईफाई गेस्ट नेटवर्क सेट करना। तो होता क्या है कि जब आपके घर पर मेहमान वगैरह आते हैं तो ऐसे में जब उन्हें पता चलता है कि आपके घर पर वाईफाई लगा है तो वो वाईफाई की मांग करते हैं और कहते हैं कि हमें वाईफाई का पासवर्ड बताइए, तो ऐसे में आप जो है उनके लिए एक अलग से नेटवर्क सेट कर सकते हैं गेस्ट नेटवर्क। तो उसमें होगा कि यहाँ पर आप अपनी स्पीड को भी गेस्ट नेटवर्क में घटा बढ़ा सकते हो, यानी कि आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें अपने गेस्ट को कितनी स्पीड यहाँ पर यूज़ करने के लिए देनी है। अगर आपको जानना है कि हम वाईफाई गेस्ट नेटवर्क जो है कैसे सेट करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं एक वीडियो इसके लिए बना दूंगा आपके लिए। तो दोस्तों ये थे वो 5 मेजर टिप्स जिनको आप अप्लाई करते हो तो काफ़ी इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर वीडियो आपको पसंद आया होगा, उसे वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।